अरबी समुंड में सामुंडी तूफान जो सिंध की साहिली पट्टी ते असर ठठो केटी बंदर मीरपुर साकरो घारो और भरपासे में तेज़ हवाओं जो राज बदीन मातली कोट गुलाम मोहम्मद और मलकानी शरीफ सूदो बन साहिली इलाकन में भी तेज़ हवाओं से गड़ मिट्टी जो तूफान बिजली और मवासलाती निज़ाम डामाडोल सामुंडी तूफान के असर सबब ठठो बदीन मीरपुर खास थरपारकर उमरकोट जिलन सूदो मुख्तलिफ इलाकन में तेज़ बरसात जा इम्कान मौसमियात खाते जो चवण है सिंध की साहिली पट्टी से 18 खां 20 मई तीन तेज हवा से बरसात पैजी सके थी मुहाणन के 3 दिन तीन ऊने समुंड में वन का रोको वो हैदराबाद रीजन में भी रेड अलर्ट जारी समुंड में सामुंडी तूफान अतावती जो रुख तब्दील थियण से सिंध की राजधानी कराची ता खतरो टरी वो शहर में गजगोड़ से बरसात जा इम्कान भी घट मौसमियात खाते जो चवण है कराची में 3 दिन तीन मौसम गर्म रही अज भी पारो 42 सेंटीग्रेड तीन पहुंचने का इम्कान शहर में 30 खां 35 किलोमीटर प्रति कलाक की रफ्तार से हवा घुलण की भी अगक थी मौसमियात खाते मूजिब सामुंडी तूफान 18 किलोमीटर प्रति कलाक की रफ्तार से भारतीय सूबे गुजरात दां वधी रहो है सामुंडी तूफान 18 कलाकन बाद वधीक शिद्दत इख्तियार करे सके तो तूफान कराची का दखण ओभर तरफ 1210 किलोमीटर के फासले ते गुजरी वो सिंध सूदो सरे मुल्क में बैनुल जिलई इंट्रास्ट्रीट ट्रांसपोर्ट बहाल कराची हैदराबाद सखर लाड़कानो दादू नौशर फिरोज घोटकी सांगड़ और बेन शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू एनसीओसी तरफा गाड़ियों में 50% मुसाफिर विहारण की इजाजत 70% मुसाफिरन से ट्रेन्स हलायू वेंदियों सुबाने का सरकारी ऑफिस 50% मुलाजमन की हाजिरी से खोलियो वेंदियों कारोबारी मरकज और बाजारों सुबाने का रात 8 बजे तक खुलल रखने की इजाजत होंगी रेस्टोरेंट्स से रुगो टेक अवे की इजाजत होंगी एसओपीज को जायजो वठने लाए एनसीओसी जो इजलास 19 मई ते बीहर इरसा पंजा इख्तियार ओरहांगे सिंध के हिस्से जो पानी 15 खां 20% तई घटाए छो पीपी चेयरमैन पंजाब तरफा तकरारी टीपी और सीजे कैनाल्स खोलने वो अमल गैर कानूनी करार दई छो बिलावल भुट्टो जरदारी जो चवण है सिंध में हथ वी पानी जो बहरान पैदा कदड़ पीटीआई नतीजन की जिम्मेवार भी पा होंगी वफाकी सरकार के जालमानी पॉलिसी सबब ठठो बदीन सजावल और थरपारकर जिलन में पानी की संगीन खोट पैदा थी वही कराची के भी पानी की फरहमी घटाई वही है तकरारी कैनाल जरिए सिंध के हिस्से जो पानी चोरी कर पे वे इरसा टे रुखी फॉर्मूला से सिंध के नुकसान पहुँचाण जो सिलसिलो बंद करें इमरान खान वजाहत करें तो सारियाले फसल की मुंद में सिंध जो पानी रोकण पोया कड़े मकसद हैं पीपी चेयरमैन तरफा कोटड़ी डाउन स्ट्रीम तई घुर्बल पानी छोड़ करण जो भी मुतालबो कंदकोट भरसा कच्चे के इलाके में हथियारबंद के हमले दौरान मारजीवल नवन जणन जा लाश हथियार के पहरे में दफनाया पा जनाजे नमाज दौरान वे अंग में मानुन की शिरकत गुजरल ढी चाचड़ बिरादरी के मानुन तरफा चौपाए माल की चोरी जा पेरा ख्या पा त कच्चे में मथन हमलो थो सब्जोई धुर के हथियारबंद के हमले में नव जणा कतल थ वाके बाद इलाके में खौफ की लहर खूनी वाके बावजूद कंदकोट जिले की पुलिस हरकत में न आई वाके जो केस भी दाखिल न थो एएनपी जी अगूणी सूबाई सदर बेगम नसीम अली खान लाडाणो करे पई बेगम नसीम अली खान शुगर और दिल के आर्जे में मुब्तला हुई बेगम नसीम अली खान एएनपी जे रहबर तहरीक खान अब्दुल वली खान जी बेवा हुई एएनपी तर्जमान मौजिब बेगम नसीम अली खान जी जनाजे नमाज अज शाम 6 बजे बागे 4 सदा में अदा कई वी कौमी असेंबली की स्पीकर असद कैसर ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आई पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सूदो सियासी अगवाणन तरफा बेगम नसीम अली खान के लाडाणे के अफसोस जो इजहार कच्ची पुल वासी व्यापारी अब्दुल हकीम खोसो मुबैना तौर अगवा नौजवान व्यापारी 5 लाख रुपया खड़ी मोटरसाइकिल से शहदादकोट वही रो हो तो गुम थी वो वारसन रबी पुल थाने ते अगवा जो केस दाखिल कराए छो वारसन तरफा व्यापारी के जल्द बाजियाब कराने मुतालबो मीरपुर माथेलो भरसा शिकारपुर वासी नौजवान
धाड़ेलन हथां अगवा थियण खां बची वियो। बेलो मीरपुर पुलिस नौजवान निसार चांडियो खे कच्चे तरफ वञण खां रोके वरितो। पुलिस मूजिब धाड़ेलन नौजवान सां फोन ते राब्तो करे खेसि कच्चे में घुरायो हो। वक्त सिर कार्रवाई ज़रिए खेसि अगवा थियण खां बचायो वियो। नौजवान जो चवण आहे त धाड़ेलन खेसि मच्छीअ जो तलाउ ठाहिण लाइ कच्चे में घुरायो हो। लाड़काणो में भेण सां मुबैना तौर ज़ियाती जे इल्ज़ाम में गिरफ़्तार जवाबदार। प्रिंय जे जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले। हैदरी थाणी जी पुलिस जवाबदार मोहम्मद अमीन कोरेजो खे मकामी अदालत आॾो पेश कयो। पुलिस अदालत खे आगाही ॾींदे चयो त जवाबदार खे गुज़िरियल ॾींहुं गिरफ़्तार कयो वियो। मीरपुर ख़ासि जे सेटेलाइट टाउन में नीगर सां बदफेली जे इल्ज़ाम में जवाबदार गिरफ़्तार। पुलिस जवाबदार आरिफ पठाण खे गिरफ़्तार करे वरितो। नीगर जे भाउ जी फरियाद ते जवाबदार ख़िलाफ़ केस दाख़िल। पुलिस जो चवणु आहे त बदफेली केस जी जाच कई पई वञे। मुतासिर नीगर ऐं जवाबदार जा जुज़ा मेडिकल टेस्ट लाइ वरिता वेंदा। रिपड़ी भरिसां ॻोठ माली खोसो में नौजवान पाण ते बंदूक जा फायर करे ख़ुदकुशी करे छॾी। पुलिस गंबट इस्पताल मां पोस्टमार्टम कराइण बाद लाश वारसन हवाले करे छॾियो। वारसन जो चवणु आहे त नौजवान घरू अणपर्त तां कावड़ में अची इंतिहाई क़दम खयो। गढ़ी हसन ऐं भरपासे जे इलाइक़नि में उरड़ी जी वबा ते कंट्रोल न थियो। ॻोठ आदम मायरी में मासूम नींगर उरड़ी विघे हयाती विञाए वेठो। ॿिनि सालनि जो ॿारड़ो अहमद उरड़ी सां झेड़ींदे दम ॾेई छॾियो। केतिरा ई ॿार उरड़ी में मुबतला हुजण बावजूद सिहत खाते जूं टीम्स हरकत में न आहियूं। ॻोठाणनि परेशानी ऐं ॻणितीअ जो इज़हार कयो। ऐं सिंध जो क़दीमी माग मोहन जो दड़ो हिकु हफ़्ते खां पोइ ॿीहर खुली वियो। इंतिज़ामिया तर्फ़ां मोहन जो दड़ो में दाख़िला ते पाबंदी हटण बाद शहरनि जी आमद जो सिलसिलो जारी। अक्सर शहरनि तर्फ़ां मास्क ऐं समाजी विधी नज़रअंदाज़। इंतिज़ामिया कोरोना SOPs ते अमल कराइण में नाकाम।